पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जाए बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का चुनावी वादा कर्नाटक में किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बजरंग बली को ताले में कैद करने का आरोप लगा डाला था। उन्होंने वोटरों से ईवीएम का बटन दबाते वक्त जय बजरंग बली बोलने की बात भी कही थी। अब इसका यूपी वाला असर सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक में कहा था कि जहां भी मतदान करने जाइए तेजी से बटन दबाइए कमल का, और बजरंग बली का जयकारा भी लगाइए। तो आप लोगों ने भी लगाया? बिल्कुल लगाया हम लोगों ने जयकारा। भाजपा की सांसद केशरी देवी पटेल दो टूक कह रही हैं कि उन्होंने निकाय चुनाव के मतदान के वक्त बजरंग बली को याद किया, तो प्रयागराज के शहर पश्चिमी सीट से भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इसी लीक पर बड़ा बयान दे डाला। हम लोग तो हमेशा लगाते रहते हैं बजरंग बली का और जय श्री राम का नारा, और अंदर ही अंदर गुनगुनाते भी रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो धर्म है, हम उस धर्म से जुड़े हुए हैं। मगर विषय ये है कि कर्नाटका के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो कहते हैं कि बजरंग बली का आप नाम ही नहीं ले पाओगे आगे से, हम तो बैन कर देंगे, ये गलत है। अब विरोधी दलों ने भाजपा के इस बजरंग दांव पर सख्त एतराज जताया। सपा के सांसद एसटी हसन ने मुरादाबाद में कहा कि पीएम मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बात बजरंग दल को बैन करने की हुई और इसे भाजपा ने बजरंग बली को ताले में बंद करने के रूप में पेश कर दिया। हसन ने इसे गलत बताया। देखिए, भाजपा ने तो हमेशा धर्म का सहारा लेके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। पहले श्री रामचंद्र जी का सहारा लेते थे, आज भी ले रहे हैं। अब हनुमान जी का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। सियासत में इतनी महान हस्तियों को नहीं लाना चाहिए। ये उनकी बेअदबी की बात है कि उनके नाम का सहारा लेके हम लोग अपने फायदे उठाएं। जाहिर सी बात है, बजरंग दल का जो करैक्टर है सबको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं नफरतों की सियासत करते हैं। साफ है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सपा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भी एतराज जताया है, जिसमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से की थी। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को देखो, पागलपन का दौरा पड़ा, कह रहे बजरंग दल पर बजरंग बली पर प्रतिबंध लगा सकता है क्या कोई? देश विरोधी संगठन पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो सिमी का बदला हुआ रूप है, अब उस संगठन के साथ अगर बजरंग दल की तुलना की जाएगी, जिस बजरंग दल का नारा है सेवा सुरक्षा और संस्कार, तो क्या ये सही होगा क्या? समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यहां तक कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य बड़बोले मंत्री हैं, ये विकास का काम नहीं कर सकते। बड़बोले मंत्री तो हैं ही, ये अपने विभागों में कुछ कर नहीं सकते हैं, विकास तो कर नहीं सकते हैं विभागों द्वारा। यहां तक कि किसी को रोजगार भी नहीं दे सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, किसी भ्रष्ट अधिकारी को भी खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, तो ये बड़बोले मंत्री हैं। साफ है कि राजनीति के मैदान में अभी बजरंग बली को लेकर दिए गए बयान पर माहौल और गर्माने वाला है।